नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी। आज हम देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में लेवल 5 का 12 जून 2022 को पौने एक से सवा दो में जो पेपर हुआ था उसको देखेंगे। और ये जो वीडियो होने वाली है ये 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में उन बच्चों को पता चलेगा कि एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर पेपर अटेम्प्ट करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में अटेम्प्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक किसी काम को जो है 75 दिन के अंदर 75% काम को जो है वो 30 दिन के अंदर करता है। तो 75% को अगर हम निकालेंगे तो ये परसेंट का जब साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 25 से 3 बारी में गया और ये 4 बारी में, तो यानी कि 30 दिन के अंदर वो जो है 3/4 काम करता है। तो एक दिन के अंदर वो कितना करेगा, 3/4 × 30। तो यहां से 3 से ये 10 बारी में चला गया, ये 1/40 यूनिट का काम जो है एक दिन के अंदर ए जो है करेगा। सेम यहीं पर देखा जाए, बी जो है 50% का काम जो है 18 दिन में करता है। तो यानी कि 100% काम अगर हम बोले या फिर सिंपली ये बोले कि एक दिन के अंदर जो है वो कितना काम करता है, 18 दिन के अंदर जो है वो 1/2 का काम करता है। तो एक दिन के अंदर वो कितना काम कर लेगा, 1/2 × 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 1/36। तो दोनों मिलके एक दिन के अंदर कितना काम करेंगे, तो ये 1/40 करेगा ए और यहाँ 1/36 करेगा बी। दोनों का एलसीएम 360 हो जाएगा, 40 से 360 9 बारी में जाता है और ये 10 बारी में। तो ये 19/360 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले तो क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किसी भी नंबर का 29.29% जो है वो 0.59 दे रखा है किसी भी नंबर का, तो हमें वो नंबर निकालना है। तो यहाँ पे ऐसा है कि बाय ऑप्शन अगर हम देखें, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 30 है ना, 30 का 60 करते हैं डबल, तो ये कितना आ जाता है हमारा, 30 का 60 डबल करेंगे तो सॉरी यहाँ पे अगर हम देखें 2 का है ना, अगर हम बाय ऑप्शन सॉल्व करने की इसको कोशिश करें तो अगर हम ऑप्शन 4 देखते हैं 2 का, अगर 2 का अगर हम 30% लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 0.60। तो यानी कि ये आसपास इसके, तो अब इसमें से आधा जो है कम करना है 0.5, तो इसमें से हमारा कितना आ जाएगा, ये 0.59। तो हम जैसे कि यहाँ पे निकालेंगे 29.2 का 29.5%, तो परसेंट हटाएंगे तो 20 एक ये यहाँ से 10, तो 2 से ये जो जाएगा ये हमारा 500 बारी में जाएगा। और ये 5 से जब हम इसको काट देंगे तो ये 5 जा और ये 5 9 45, और नीचे 2 0 है तो पॉइंट आ जाएगा 5 9। इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही करेंगे। अगले क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि लेंथ और विड्थ दे रखी है रेक्टेंगल की, जो कि 10.5 और 8 मीटर दे रखी है, तो उसमें बताना है कॉस्ट क्या होगा घास बिछाने का। तो ये कोई एक लेंथ फील्ड है, मैदान है, जिसकी लंबाई 10.5 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 8 मीटर है ना। अब इसके अंदर हमें घास बिछानी है, तो सिंपली है इसका एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 × 8 है ना। अब इसमें जब रेट पूछ रहा है कि इसका पैसा कितना लगेगा, तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 84 है ना। अब रेट आ रहा है ये 15.25 रुपए के हिसाब से पर स्क्वायर मीटर का जो है रेट है। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा देखते हैं कि सिंप्लीफाई करने के लिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100, 25 से सीधा ये 4 बारी में जाएगा है ना, 25 से सीधा ये 6 बारी में 150 और 1 से 61, तो ये 4 से ये जो है 21 बारी में गया। तो यहाँ यूनिट डिजिट अगर हम देखें कि 1 से 1 इंटू करेंगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, बाय यूनिट डिजिट हमने इसको कर लिया, हम जो है इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बाय यूनिट डिजिट बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय को बिल्कुल हमें बचाते हुए चलना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 18, अब ये नीचे आ गया यहाँ 3, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आ जाएगा हमारा 7 और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा नीचे 7 से ये गया 3 से 6 बारी में, 6 में से 1 गया 5, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछता है कि कौन सा जो है नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब सबका डिजिटल सब 9 होना चाहिए 9 से डिविजिबल होने के लिए। तो हम इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, तो ये 5 2 10 3 2 5 15 है ना, और 15 3 18, तो यानी कि ये 9 से डिविजिबल है ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें इसमें बताना है कि 9 से डिविजिबल कौन सा नहीं है। तो हम पहले देखते हैं फिर उसके बाद आखिरी देखेंगे, तो ये 9 हो गया, 5 4 9 बचा 3, तो यानी कि नहीं, इसका ये जो है 9 से
इसका डेटल सम नहीं आ रहा तो ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। सम जो है 9 से डिविजिबल हमारा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन जो आएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि है, निश्चित धनराशि जो एक साल के बाद कितनी हो जाती है, वो 1484 रुपए हो जाती है यदि उसका, और वो भी साधारण ब्याज पे, यदि उसका ब्याज दर जो है 2% से बढ़ा दिया जाए तो जो उसमें पैसा की वृद्धि होगी उसके अमाउंट में, यानी कि टोटल में वो 26.5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हमें ये बताने कि स्टार्टिंग के अंदर जो है इंटरेस्ट कितना जो है पे किया गया था। तो अब हमें साफ दिख रहा है कि 2% की वृद्धि से जो है हमें 26.5 रुपए मिल रहा है, तो ये कितना गुना है, सीधा सीधा ये जो है 13.25 गुना है। ठीक है, तो अगर हम 100% की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1325 रुपए। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सम। ठीक है, अब ये पूछता है कि सम जो था वो स्टार्ट 1484 रुपए हो गया है ना, तो 1484 में से जब हम 1325 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ 159 रुपीज, है ना। तो यही जो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा जो स्टार्टिंग में पे किया गया। तो ऑप्शन फोर हमारा इसका सही आंसर है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, इसमें बोलता है कि निश्चित धनराशि को जो है साधारण ब्याज पर एक साल के लिए जमा किया जाता है, तो जो अमाउंट मिलता है यानी कि जो सम होता जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है ब्याज मिलाने के बाद 1484 रुपए। यदि वो साधारण ब्याज की रेट को दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो जो अमाउंट होगा है ना, धनराशि जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 26.5 से जो है बढ़ जाएगी। तो यानी कि ये 2% की जो वृद्धि हो रही है उसकी वजह से 26.5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है ब्याज में। तो ये अगर 100% इसका निकाला जाए तो ये कितना आ जाएगा 1326 रुपए। अब पहले 1484 उसके टोटल अमाउंट हो गया था और सम कितना है 1325, तो ये जो गैप आएगा 159 का, यही क्या होगा इसका ब्याज जो उसको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटा अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डेटा अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये आ जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें नंबर कितने हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 है तो मीडियन नंबर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इनके आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी कि 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर, 6 और 1 ये, तो यानी कि चौथा नंबर है ना। तो अगर हम ये देखें ऑड है तो ये 7+1/2 हो जाता है, तो यानी कि फोर्थ जो है डिजिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो 3 तो ये हो गया, चौथा ये, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक लकड़ी जो है वो दो पार्ट में टूट जाती है जिनका रेशियो कितना है, 7:11। तो मान लेते हैं ये एक लकड़ी है, ये 7:11 रेशियो में टूट गई है। अब लेंथ जो है छोटे वाले की वो 77 है, तो यानी कि ये 11 गुना है ना, 77 सेंटीमीटर तो 11 गुना है। तो हमें लेंथ बतानी है अनब्रोकन यानी कि टोटल की, तो ये 18 यानी कि 18 की वैल्यू निकालनी है हमें। ये दोनों कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 18 यूनिट है ना, तो इस 18 की वैल्यू निकालनी है, 11 से इंटू करना है। और ये भी किसमें पूछा है, ये सेंटीमीटर में और ऑप्शन दिया है मीटर में, तो 100 से जो है हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा सीधा सीधा ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, 18 × 11 1.98 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1+cos² θ माइनस sin² θ। ठीक है जी, अब हमें साफ दिख रहा है ये कॉट स्क्वायर जो है ये 1 - sin² है ना, sin² + cos² है ना, cos² θ। तो ये 1 - sin² को हम क्या लिख सकते हैं, cos². अब ये cos² और ये cos² कितना हो गया, ये हमारा 2 cos² θ हो गया, और ये होता है हमारा cos² θ कॉन sin² θ cos। ये 2 से cos² से cos² चला गया, तो हमारा जो sin का वैल्यू आएगा sin² θ का, ये 1/2। तो यहाँ से स्क्वायर जब हम इधर दे देंगे तो sin θ आ जाएगा हमारा 1/√2। तो ये थीटा जो है 1/√2 तब होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री अगर हम डालेंगे तो 10 45 होता है प्लस 1 उसका स्क्वायर है ना cosec, यानी कि sin का उल्टा होता है cosec। तो sin की 45 की वैल्यू जो है 1/√2 है, तो cosec की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। अब इसका स्क्वायर तो ये 1+2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है ना। यहाँ पे 1 - sin² कैसे आया, हम सब जानते हैं कि sin² θ + cos² θ 1 होता है। तो जब हम इसको sin² को इस साइड ले जाएंगे तो ये cos² θ जो होगा वो 1 - sin² θ हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जब 3/4 को किसी नंबर के 3/4 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें से, 6/7
126 के, तो आंसर आता है 33। तो हमें बताना है कि नंबर हमारा क्या है। तो 6/7 अगर हम 126 में से 3/4 किसी नंबर को n मान लेते हैं तो करते हैं, तो ये हमारा आ जाता है ये 36। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 7 से 1 बारी में चला गया और ये 7/8 56, तो ये आ गया। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 108 - 33, क्योंकि इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 3/4 एम के, है ना। तो इसमें से अगर हम जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 75, 3/4 एम। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 75 × 4/3। तो ये 3 से जो है 25 25 64 100, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को जो है हम बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है टाइम वेस्ट करना एग्जामिनर का मोटो नहीं होता, वो आपका देखना चाहता है कि आप कितना सोच सकते हैं। तो हम सीधा सीधा एक अटेम्प्ट मार सकते थे कि 100 लेके क्या ये हमारा आंसर सही आता 33। तो हमारा ये टाइम बचाने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एलसीएम जो है किसी दो नंबर का वो 35 टाइम्स है एचसीएफ के, है ना। तो जैसे लिख लेते हैं कि एलसीएम और ये एचसीएफ हो गया, तो एलसीएम जो है 35 टाइम्स है, तो एचसीएफ को हम 1 मान लेते हैं। अब बोलता है कि इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है, वो इस 34 की वैल्यू जो दे रखी है वो 238 दे रखी है। तो ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है 7 गुना, है ना। अब ये पूछ रहा है कि इफ टू नंबर डिफर बाय 14 देन द फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर, ठीक है। तो दो नंबर हम मान लेते हैं, है ना, दो नंबर हम ले लेते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, वो नंबर हो जाएगा 7a और 7b, ठीक है। क्यों ये नंबर 7a और 7b आया, ये नंबर जो है अगर जैसा कि हमने देखा कि 34 की वैल्यू 238 दे रखी है, तो ये 7 गुना, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 7 गुना, एचसीएफ हमारा आ गया 7। तो जो भी नंबर होता है वो प्रोडक्ट होता है प्राइम नंबर और एचसीएफ का, है ना। तो हमने ये लेट कर लिया है, ये हमने मान लिया है कि एक नंबर 7a है, दूसरा नंबर 7b है। अब हमें ये भी दे रखा है कि 7 इनका जो डिफरेंस है, अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो दोनों में से 7 कॉमन आ जाएगा और इनका डिफरेंस जो है 14 है, तो ये 7 से ये 2 बारी में कट गया। तो अब हमको एक ऐसा नंबर देखना है कि जिनका डिफरेंस प्राइम नंबर होने चाहिए, वो उनका डिफरेंस जो है 2 आए, और हमें उनका सम भी निकालना है। अच्छा, अब उनका एलसीएम जो एचसीएफ होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, और जो एलसीएम आएगा वो 35 × 7। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ये साफ दिख रहा है कि ए को अगर हम 7 रख ले और बी को हम 5 रख ले, दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, ठीक है। तो इनका नंबर क्या हो जाएगा, 7a 7b, तो ये नंबर आ जाएगा हमारा 7 × 7, और ये आ जाएगा हमारा 7 × 5, तो ये 39 हो गया, ये 35 हो गया, है ना। अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना आ गया ये, और सॉरी इनका सम हमें निकालना है, तो सम हमारे पास आ जाएगा 84, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो गया 84। हम चाहे तो इसको जो है करेक्ट करके क्रॉस चेक कर सकते हैं इनका एलसीएम निकाल के, इनका एलसीएम जो है वो इतना ही आएगा, हमारा कितना हो जाएगा ये 35 × 7 टाइम जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए और बी जो है किसी काम को मिलके एक साथ जो है 48 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला उस काम को 60 दिन में कर लेता है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को 48 दिन के अंदर करते हैं, बी उसी काम को 60 दिन के अंदर करता है। अच्छा, एक ये बड़ा बढ़िया रहता है टाइम एंड वर्क का, कि ये बता देते हैं कि 60 दिन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं वो नहीं बताते। तो हम जो टोटल वर्क होता है वो एलसीएम ले लेते हैं किसका, 48 और 60 का। तो इनका इनका एलसीएम कितना आ जाता है, 240। अब 48 जो है कि 48 से 5 बारी में जाएगा 240, और 60 से 4 बारी में ये जाएगा। अब यहां से ये तो आ गई इनकी एफिशिएंसी, है ना, कि बी की एफिशिएंसी 4 हो गई और ए की एफिशिएंसी जो है कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 दे रखी है दोनों की, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, कि बी की इधर से 4 आ गई, इधर 4 + 1 यानी कि 5, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 1, ठीक है। अब वो कहता है कि द डुओ स्टार्ट वर्किंग बट बी लीव्स 15 डे बिफोर द वर्क डेट ओवर। अब दोनों ने 7 तो स्टार्ट किया, लेकिन काम खत्म होने के 15 दिन पहले बी ने जो है काम छोड़ दिया, तो ये बताना है कि कितने दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये मान लेते हैं कि अगर बी 15 दिन काम करता तो और कितना काम उसको करना पड़ता। तो अगर बी के द्वारा 15 दिन के अंदर कितना काम किया जाता, तो बी की एफिशिएंसी है 4 और 15 दिन के अंदर वो काम करता 60 यूनिट,
तो टोटल आवर काम कितना हो जाएगा 240 प्लस 60, तो यानी कि 300 यूनिट का काम जो है करते ये दोनों ही मिलके करते हैं 9 बार, 300 बाय सॉरी ये दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है 5, है ना, तो 300 बटे 5, तो ये कितनी बारी में जाएगा 60, है ना, 60 बारी में ये चला गया, तो यानी कि 60 डेज में ये दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन अभी पूछ रहा है कि ए और बी ने साथ में मिलके कब काम किया, तो 60 में से ये 15 माइनस कर देते हैं 45, क्योंकि 15 दिन पहले जो है बी ने काम छोड़ दिया, तो यानी कि काम तो कंप्लीट होता है अगर वो दोनों मिलके करते 60 दिन में, लेकिन इस हिसाब से जो अभी दिखा रखी कंडीशन उसमें ए और बी ने सिर्फ 45 दिन काम किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कॉनिकल टेंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा टेंट हो गया कोई, जिसकी जो रेडियस दे रखी है और डायमीटर जो दे रखा है वो 10 मीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई, वो 5 मीटर है ना, इस डायमीटर को 10 दे रखा है तो रेडियस 5 आ गई, यहां से जो हाइट दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। इसकी फिगर जो है दोबारा बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसके इसको बताना है कि कितना क्लोथ लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए, जहाँ पे 10% का कपड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए होगा जो कि वेस्टेज निकलेगा कट के, है ना। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू तो दे रखी है 3.14, लेकिन पाई के टर्म में आंसर निकालना तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये जो है एक जो हाइट और रेडियस है ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये जो है ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस, तो ये 5, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो स्लांट हाइट जो हो गई टेंट की एल जो हो गई वो 13 आ गई। तो अब यहाँ पे जो एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया सीएसए जिसे हम कहते हैं कोन का, वो होता है पाई आर एल, तो पाई के टर्म में हमें निकालनी है, आर हो गया हमारा 5 और एल हो गया हमारा कितना 13। अब यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा क्लोथ चाहिए जो हम एरिया निकालेंगे, तो 10% एक्स्ट्रा का मतलब हो गया जो आया उसका अमाल को 110% चाहिए, तो ये 10 से 10 ये कट गया, ये 5 से ये 2 बारी में गया, और यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये 143/2 हो गया पाई के टर्म्स में, तो ये हमारा आ जाएगा 71.5 पाई। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, है ना, पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का हमको, और ये कह रहा है कि Having the perimeter of a square having an area equal to area of rhombus, ठीक है, कि हमें एक perimeter निकालना है square का जिसका area जो है rhombus के area के बराबर है, है ना, तो अब measure of उस diagonal यानी rhombus के diagonal की length दे रखी है, तो हम सब जानते हैं कि area जो होता है square का वो होता है, मान लेते हैं side जो है square की a मान लेते हैं, तो उसका area a square हो गया, rhombus का area होता है half into d1 into d2, है ना, ये इनके diagonal हो गए, तो ये हाफ डी वन किसी को भी मान सकते हैं, 8 और 16 दिया हुआ, 2 से ये 8 बारी में चला गया 64, ए स्क्वायर की वैल्यू 64, तो ए की वैल्यू आ गई 8, तो ये एरिया की साइड स्क्वायर की साइड आ गई 8, तो इसका पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाता है 4a, है ना, तो 8 चौका 32, इसका आंसर ऑप्शन सेकेंड हमारा सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है करिश्मा जो है 5400 रुपये जो है उसने स्पेंड की है जो किसी आइटम पे हर साल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, है ना, और ये 3 साल तक उसने खरीदने के बाद ये बता रखा है जो उस आइटम का प्राइस था वो फ्लक्चुएट यानी ऊपर नीचे होता है, जिसमें कि पर यूनिट का प्राइस पहले साल तो 9 रुपये रहा, दूसरे साल पर यूनिट का प्राइस 24 रुपये रहा, और तीसरे साल जो प्राइस रहा वो 14 रुपये 40 पैसे रहा। अब ये हमें बताना है कि पर यूनिट का एवरेज प्राइस क्या रहा जो करिश्मा ने पे किया इन 3 सालों। तो सबसे पहले तो देखो जी, इसने सिर्फ 5400 रुपये खर्च किए हैं, है ना, तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स हमें निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें, है ना, तो ये पहले साल के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अगर हम बात कर लेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर नंबर ऑफ आइटम, तो 5400 रुपये में खरीदा, एक की कीमत 9 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 600 आइटम हमारी आ गई, ठीक है। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो 5400 रुपये का उसने खरीदा, लेकिन सेकेंड ईयर में उस आइटम का दाम हो गया 24, तो ये सीधा 24 से जब हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225 आइटम। तो थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो 5400 रुपये फिर उसने खर्च किए, लेकिन अब जो दाम हो गया एक आइटम का 14 रुपये 40 पैसे हो गया, तो इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 375 रुपये के पास। तो जब हम एवरेज निकालते हैं, है ना, एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज वो ऐसे आएगा कि 5400 रुपये तो उसने पूरे 3 साल तक खर्च किए, है ना, 5400 रुपये उसने 3 साल तक खर्च किए, लेकिन हर साल जो है आइटम कितनी खरीदी, 600 प्लस 225 प्लस 375, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5400 गुना 3, और जब हम इसको ऐड कर देंगे
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 100 और 200, 300, 300, 300, 600 और ये 1200 हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां से चला गया है ना। अब ये 12 से सीधा सीधा हम काट सकते हैं इसको, 12 चौक 48, 48 पंजे 60, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 13.50 रुपीज एवरेज प्राइस आ गया हमारे पास 13.5 रुपए। तो कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक 2 डिजिट नंबर है ना, जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट जो है वो 24 है। तो मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर को हम क्या 10x + y है ना, ये 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पे जो ये डिजिट का प्रोडक्ट दे रखा है एक्स और वाई का, वो कितना दे रखा है 24। अब ये कहता है कि जब 18 ऐड कर देते हैं उस नंबर के अंदर तो उसके डिजिट जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये 10x + y में जब हम 18 ऐड कर देते हैं तो ये 10y + x हो जाता है ना। तो अब ये पूछ रहा है क्या, अब यहां से हम निकाल लेते हैं, ये y जो है इस साइड आ गया तो कितना आ जाएगा 9y, ये 10 इस साइड आ जाएगा तो 9x + 18 = है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 9y - x कितना हो गया हमारा 18, क्योंकि इसको हम इधर ले गए तो ये 9 से ये 2 बारी में चला गया। तो इनके डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2, और प्रोडक्ट जो है दोनों का कितना आ रहा है 24। तो हमें अब हम इसको या तो स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाल के कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि हम साफ दिख रहा है 24 आ रहा है, 6 + 24 इनके डिफरेंस भी आ रहा है 2 है ना। तो y हमारा 6 हो गया, x हमारा 4 हो गया। तो अब ये पूछता है कि विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कि पहले तो नंबर निकाल लो। तो नंबर हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया हमारा 10 × 4 + 6, तो ये कितना आ जाएगा 46। अब इस 46 में से हम कितना माइनस कर दें बेसिक कम से कम नंबर कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर। तो साफ दिख रहा है इसके आसपास जो परफेक्ट बन रहा है वो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाता है, तो यानी कि 36 ही है। तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 36, तो यानी कि ये कम से कम नंबर 10, यानी कि ऑप्शन सेकंड हमको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 माइनस करने पे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑन सिंपल इंटरेस्ट का सम बिकम्स, अच्छा कि 12% अगर 3 साल के साधारण ब्याज पे जो है एक निश्चित धनराशि जो है वो 3400 हो जाती है, तो हमें सम निकालना है ना। वो सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपली प्रोडक्ट होता है, तो यानी कि 36% हो गया 3 साल का ब्याज, तो यानी कि कितना हो गया 100 की वैल्यू अगर 36% से बढ़ के 136 हो गई है ना, यही कहने का मतलब हुआ। अगर ये हो गई तो अब हमें जो है ये बताना है कि सम कितना है इसका। तो सिंपली कुछ नहीं है, तो ये 136 की वैल्यू कितनी दे रखी है 34 गुना है ना। अभी जो है हम इसको अगर थोड़ा सा वो कर ले, 2 से काट ले, कितने से इसको हम 2 से काट ले तो कितना, नहीं 4 से 4 से इसको अगर काटेंगे तो ये 25 बारी में चला जाएगा, और ये 4 से अगर हम काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये 4 से 16, तो यानी कि 100 गुना साफ साफ दिख रहा है हमें। तो ये भी 100 गुना हो गया, तो 2500 हमारी धनराशि हो गया, यानी कि जो निश्चित धनराशि थी वो कितनी थी 2500, जो कि 12% 3 साल ब्याज, 12% ब्याज दर पे 3 साल पे जो अगर हम जमा करते तो वो बन जाती हमारी 3400। एक बार और समझ लीजिए कि 12% 3 साल के साधारण ब्याज हो गया 36%, तो 100 की जो अगर हमने जमा किया था वो हो जाता 136, तो 4 से ये 25 बारी में चला गया, 4 से ये 34 बारी में चला गया, तो ये 34 की वैल्यू 3400 दे रखी है 100 गुना, तो ये भी 100 गुना हो गई, तो जो आ गया हमारा 2500, यही हमारा सम, यही आंसर हो गया। ये था इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाकी क्वेश्चन मिलेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला हो सच में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।